आप छोटी बच्ची नहीं हो ना मेरी बहन, ये अच्छी बात नहीं है। क्या हंसी आ रही है आपको? कौन सी बात पे हंसी आई है? किस बात पे हंसी? आप बहुत खिलखिला के हंस रही, किस बात पे हंस रही हो आप? आप दोनों को पूछ रही हूं मैं, यहाँ पे कोई मस्ती चल रही है? दीन की तालीम जीरो, हमें पता ही नहीं कब हंसना और कब रोना है। मैं अगर कोई बदतमीजियां करूं मेरे माँ बाप पे सवाल उठेगा। आप उस लायक हो जिसके लिए कयामत के दिन भी आपके लिए रोया जाएगा। आज इस्लाम का मजाक हमने खुद बना के रखा है। ये मुसलमान ही है जिन्होंने इस्लाम का मजाक बनाया है, जिसने अपने नबी का मजाक बनाया, जिसने शरीयत का मजाक बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोएंगे ये कह कह के, या उम्मती, आप अपने आप से सवाल करो। क्या आप उस लायक हो जिसके लिए कयामत के दिन भी आपके लिए रोया जाएगा? यहाँ पे जितनी औरतें बैठी है, कयामत के दिन उन्हें हर सहाबाओं की बीवी के सामने खड़ा होना है और ये जवाब देना है कि हमने उनकी शरीयत के साथ क्या किया। आप सोचिए कि आप उनकी बीवियों के सामने भी खड़ी रह पाओगी? सहाबाओं की बीवी, नबियों की बीवी तो बहुत दूर की बात, क्या हम खड़े रह पाएंगे? वो कहेंगे कि हमने इस शरीयत के लिए, इस दीन के लिए हमने अपने शौहरों को कुर्बान कर दिया, हम विधवा हो गए, हमारे बच्चे अनाथ हो गए, आपने तो इसका मजाक बना के रख दिया। और हम शिकवा करते गैरों से कि उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, हमने क्या किया है? आज इस्लाम का मजाक हमने खुद बना के रखा है। ये मुसलमान ही है जिन्होंने इस्लाम का मजाक बनाया है, जिसने अपने नबी का मजाक बनाया, जिसने शरीयत का मजाक बनाया है, जिसने दीन का मजाक बनाया। हम अपने सहूलत पे दीन को फॉलो करते हैं। देयर इज नथिंग टू लाफ सिस्टर, एंड इफ इट्स सो फनी प्लीज गेट आउट, हैव सम शेम। आप रेड टॉप वाली और बाजू वाली, क्या हंसी आ रही है आपको? कौन सी बात पे हंसी आई है? किस बात पे हंसी? आप बहुत खिलखिला के हंस रही, किस बात पे हंस रही हो आप? आप दोनों को पूछ रही हूं मैं, यहां पे कोई मस्ती चल रही है? शेमलेस या आप ऐसे एटीट्यूड के साथ आओगी तो आप क्या सीखोगे और यहां से क्या समझ के जाओगी? मैं टाइम पास करने आई हूं इधर, या आप टाइम पास करने आई हो यहां पे? जो ये लोग अपना वक्त दे रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों आए ये लोग इधर आपके हंसने और खिलखिलाने के लिए? इस बात पे आपको हंसना ना, पीछे जाके बैठिए, एटलीस्ट मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, दोनों भी। कमाल है, रोने वाली, अफसोस करने वाली बातें और बच्चियों को हंसी आती, तो आप सोचिए फिर लेट इट बी, क्या ही बोले फिर बुरा। मैं यहाँ पे किसी का दिल दुखाने नहीं आई हूं, बट एटलीस्ट हैव सम सिंपैथी। आप पढ़ी लिखी बच्चे, आई एम श्योर आप स्कूल जाती होगी, आपके घर में कोई तालीम होती होगी, आपके माँ बाप भी आपको कुछ सिखाते होंगे। क्या सिखाया आप मुझे बताइए? आपसे ये सवाल होगा ना, कोई भी ये सवाल करेगा, आपका जो नेचर होता है ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप पे सवाल उठता है। नहीं उठाना चाहे इंसान तो भी उठता है। मैं अगर कोई बदतमीजियां करूं मेरे माँ बाप पे सवाल उठेगा, दुनिया की बदतमीजी में दुनिया में, और दीन की बदतमीजी में आखिरी में, आखिरत पे। तो प्लीज अपने माँ बाप का नाम या मत खराब करिए इस महफिल में आप। इसीलिए तालीम जरूरी है। हम अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजते हैं स्कूल की तालीम हासिल करने, क्योंकि बच्चों को फलाना बनाना है, धमाका बनाना है। दीन की तालीम जीरो, मैनर्स जीरो, हमें पता ही नहीं कब हंसना और कब रोना है। हर बात पे हमें हंसी आती करना शुरू हो गए। आप छोटी बच्ची नहीं हो ना मेरी बहन, इट्स सैड, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये चीजें चेंज करिए आप अपने नेचर को, अगर आपको जिंदगी में दोनों को कुछ करना है तो, ताकि लोग आपको भी जिंदगी में, जब आप कहीं पे कुछ मुकाम पे अल्लाह सुभानहू व तआला आपको खड़ा करे, लोग आपको इज्जत दे, आपकी बातें सुने। आज आप बहुत छोटे, आपको रियलाइज नहीं होगा, इट मेक्स अ डिफरेंस।
तो हमें बस यहाँ पे कोशिश करनी है कि हम सब सिर्फ ये टेम्परेरी, जब ये ऐसे मुद्दे उठते हैं, जब हम उस टाइम पे जोश में आ जाते हैं, आपने देखा और ये से बहुत बार हुआ है ना, आज जिस वजह से हम यहाँ पे जमा है, ये सिचुएशन पहली बार है नहीं, कितनी बार हो चुकी है, चाहे आप इंडिया ले लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड वाइड ले लीजिए, कितनी बार हो चुकी है, फिर उठता है, फिर हम एक ग्रुप में आते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, ट्रस्ट मी, बहुत गुस्सा आता है। न्यूट्रल होना, हंसना उस बात पे, रिलैक्स करना के ठीक है, नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है, ऐसा लगता है मैं क्या नहीं करूं। फिर क्या होता है, जब आप सीरत पढ़ते हो, जैसे बाजी ने कहा, सीरत पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप अगर अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो ना, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े। मैं आपको बताऊंगी, भाई हिजाजी मक्की साहब का एक है यूट्यूब पे, उसमें कोई वीडियो नहीं है, 1 घंटा 18 मिनट की ऑडियो है और ऐसे 30 एपिसोड है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर जब तक उन्होंने पर्दा फरमाया तब तक उनकी पूरी सीरत है। और जब आप सुनोगे उस सीरत को, तो आपको लगेगा कि आप वाकई उस जगह पे पहुंच चुके, आप उस वक्त पे पहुंच चुके हो। एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को सवाल करोगे कि अगर मैं उस जगह पे वहां होती मैं क्या करती। फिर कभी कभी रियलाइज होता है कि अच्छा हो गया मैं नहीं थी, मेरे अंदर तो इतनी बहादुरी नहीं है। अब की कौम जो है, हम सब जो आज के मुसलमान है, हम बहुत कमजोर है, हम बातें बड़े करती है शहादत की, इसकी उसकी, हर चीज की, लेकिन हमसे नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह सुभानहू व तआला क्या कहते हैं, मुसलमान के लिए सबसे जो ताकतवर चीज है वो है उसकी दुआ। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज दुआ। अल्लाह सुभानहू व तआला कुछ भी कह सकते थे, तलवार है, जबान दराजी है, एक दूसरे को गाली देना है, सामने वाले ने एक चीज बोली आप 10 चीज बोल के उसकी इज्जत गिरा दो। हमारी जबान तो तलवार से भी तेज है जहां पे औरतों की बात आती है, हम सामने वाले को 1 सेकंड में रुला सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अल्लाह सुभान व तआला ने क्या कहा कि दुआ आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आपको क्या प्रमोट कर रहे हैं अल्लाह सुभान व तआला, क्या बता रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या प्रमोट कर रहे हैं? नॉन वायलेंस। आज लोग चीजें बोलकर, आज जो दुनिया में चीजें होती है, ये क्या प्रमोट कर रहे हैं? ये हमें प्रोवोक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम वायलेंस का सहारा लें, और वायलेंस में ही इनके लिए सोल्यूशन है बहुत लोगों के लिए। और अनफॉर्चुनेटली हो भी जाते हैं इंसान प्रोवोक और वो चीजें कर भी देते हैं। लेकिन सीरत आप पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा कि वायलेंस इज नॉट द आंसर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखिए, जब उन्होंने हिजरत के मक्का मदीना टोटल मिलकर 21 साल लगे उन्हें वापस मक्का आने, और जिस दिन वो मक्का आए क्या हुआ, उनसे कहा गया कि आज बदला लेने का दिन है, ये मक्के वालों ने आपको यहां से निकाला था तो आज बदला लेने का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आज सबको माफ करने का दिन है। इमेजिन, हम सोच भी सकते इस चीज को, किसी ने हमारा अगर बुरा 5 साल पहले किया ना, हमारे अंदर आज भी उसके अंदर बदले की भावना है, ऐसा किया था ना, नहीं 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 बदला लेना। लेकिन नबी क्या कह रहे हैं हमारे कि आज माफ करने वाला दिन है, अल्लाह ने मुझे रहमत बना के इस दुनिया में भेजा है। कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कुरान ही जब शुरू होता है क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नॉट रब्बे मुस्लिमीन, अल्लाह सुभान व तआला सबके रब है। दुनिया में हर इंसान, चाहे उसने ईमान वाले घर में पैदा हुआ है या गैर ईमान वाले घर में पैदा हुआ है, अल्लाह ने उसकी फितरत अच्छी ही बनाई है। हर इंसान अच्छा है, हर इंसान चाहे वो कितनी भी गिरी हुई हरकत करे, इंसान को अल्लाह ने फितरी तौर पे अच्छा ही पैदा किया है। फिर हम जिस घर में पैदा होते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जो हमारे दोस्त यार होते हैं, जिनके साथ हम वक्त ज्यादा गुजारते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। जहां आप अच्छे लोग के साथ बैठोगे, आपके अंदर जाहिर सी बात है अच्छाई आने है। हम पहले बैठते थे गाने वालों के साथ, नाचने वालों के साथ, तो हमारे अंदर वो ही था, हमें लगता था यही दुनिया है। और इन सब से हमने एक और बात सीख ली थी कि मुझे मत सिखाओ, कब्र में मैं अकेले जाने वाली हूं, मेरा अल्लाह का मामला है। आज आप किसी को दीन की बात बता दो, किसी की थोड़ी सी इसलाह कर दो कि भाई पर्दा कर लो, हिजाब कर लो, एटलीस्ट हिजाब कर लो, नकाब पे फिर जाना, ग्लव्स पे फिर जाना, वो तकवा तो तब पड़ेगा ना जब अल्लाह से आपकी
थोड़ा सा आपको और अल्लाह का इंट्रोडक्शन तो हो। अल्लाह आपको जानते हैं, आप अल्लाह को नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जानते हैं, हम उन्हें नहीं जानते। प्रॉब्लम है कि हमारा रिलेशनशिप नहीं बना है, इसीलिए तो हम फॉलो नहीं करते, इसीलिए तो हम उनकी बात नहीं मानते। जो अपने फायदे की बात है वो हम सब मान लेते हैं। अब औरतों को देखो, जब इनका निकाह का मसला होता है, मेहर होता है, उनके हुकूक होते हैं, सारी औरतों को फौरन उनके हुकूक याद आ जाते हैं। ये है वैसा फलाना ना, सब याद आ जाता है। तब अल्लाह और उसकी शरीयत याद आ जाती है। जहां दुनिया की हटके, दुनिया वाली दूसरी चीजें हो गई खत्म, शरीयत भी साइड में, इस्लाम भी साइड में, अल्लाह रसूल भी साइड में, देखेंगे। बस बहुत शुक्रिया, आप सभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कोई चीज बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी मेरी बहन, आई एम जेन्युइनली सॉरी, ठीक है? प्लीज दिल में लेके तो कुछ नहीं जा रही। माफ किया पक्का तुमने? पक्का कयामत के दिन तो नहीं पकड़ोगी ना मुझे? फॉर्मेलिटी मत करना, ठीक है?